दोस्तों, हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे कोई करियर हो, कोई मेरे को एग्जाम क्लियर करना हो, हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं। आज उसी के लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती है। इस टेक्निक का नाम है मूवी मेकिंग मेथड। ये विजुअलाइजेशन की सबसे बेहतरीन टेक्निक में से एक है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड कुछ वक्त पे, कुछ लिमिटेड वक्त के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, यानी कि जो उसकी विंडोज होती है, सबकॉन्शियस माइंड की जो विंडोज होती है, यानी कि हमें अगर कुछ भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, हमारी लाइफ में वो सपना सच हो सके, तो उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंसिस्टेंटली कुछ फीड करना होता है। आपको उस विंडो में डालना पड़ता है और वो विंडो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दो वक्त पर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। कब कब? एक अर्ली मॉर्निंग में, जब आप सुबह सोकर उठते हैं, जब आप अभी भी बेड में और आधी नींद में हैं, और ठीक ऐसा ही जब आपको रात को बिल्कुल बहुत गहरी नींद आ रही है और आप अबाउट टू स्लीप है, आप सोने ही वाले हैं। ये दो वक्त ऐसे होते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी विंडोज ओपन होती है और आप उस वक्त अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी डालेंगे वो इजीली मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आप कोई भी विश को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम पर हमें अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे फीड करना है। उस प्रोसेस का नाम है मूवी मेकिंग मेथड। इस टेक्निक में आपको क्या करना होता है, इस टेक्निक में आपको ये समझना होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और उसके अराउंड आपको एक मूवी क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप बस सो के उठे, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं या 7 बज रहे हैं, आप आधी नींद में, आपका उठने का भी मन नहीं है, आप उठना भी, लेकिन उठना भी जरूरी है, आप बिल्कुल लेकिन बेड में ही लेटे हुए। उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आपको इस मेथड को अडॉप्ट करना है और इस मेथड को यूज करके अपनी लाइफ की मूवी क्रिएट करनी है। इसमें आप बहुत सारी चीजें विजुलाइज करते हैं जो आप अपनी लाइफ में अल्टीमेटली चाहते हैं, और इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या कीजिए, जब आप बेड में हो, सिंपली ये सोचना शुरू करें कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या चाहता हूं, और आप ये सोचें, ये इमेजिन करें कि मैं एक मूवी देख रहा हूं और उस मूवी का जो हीरो है वो मैं खुद हूं, मैं खुद उस मूवी का हीरो हूं और मैं सारी चीजें देख पा रहा हूं कि मेरी जिंदगी कैसी है। आपको यह सोचना है अगर कोई डायरेक्टर आपके ऊपर कोई मूवी बनाएगा तो वो मूवी कैसी दिखेगी, आपके पास क्या क्या होगा, क्योंकि आप ही उस मूवी के हीरो हैं और कोई स्ट्रगल नहीं है उस मूवी में, सिर्फ अबंडेंस है, सिर्फ सक्सेस है, सिर्फ ग्रोथ है, सिर्फ सपने हैं, हर चीज आपको मिल सकती है जो आप चाहते हैं, तो वो आप मूवी क्रिएट करते हैं। तो जब आप सुबह उस स्टेट में होंगे कि आपको आधी नींद भी आ रही है लेकिन आपको उठना भी है, उस स्टेट में जब आप होंगे तो आपको विजुअलाइजेशन करना है बहुत ही डिटेल में। आप विजुअलाइजेशन में कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं और क्या क्या विजुअलाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप आंख बंद करके इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं जो मैंने किया है, कंसिस्टेंटली मैं करता हूं, जैसी सपनों की जिंदगी मैं चाहता हूं। एक बड़ा सा लॉन है, मैं गेट खोलता हूं, उस गेट के अंदर जब मैं एंटर करता हूं तो मैं देखता हूं कि उस गेट के अंदर जो राइट और लेफ्ट में बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक गार्डन दिख रहा है। मैं धीरे 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 और अंदर जाता हूं, मैं देखता हूं बीच में एक फाउंटेन दिखता है मुझको, उसके आसपास मुझे और भी ज्यादा चीजें दिखती हैं। राइट में मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहां पर BMW, रॉयल्स रॉयस, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, वो सारी मेरी हैं। उसको जब मैं क्रॉस करता हूं तो मैं एक बहुत बड़ा घर देखता हूं, वो घर मेरा है। मैं उस घर के बड़े से दरवाजे को धक्का देके खोलता हूं, मैं उसको पुश करता हूं, और जब मैं अंदर की तरफ एंटर करता हूं तो मैं सबसे पहले अपने परिवार को देखता हूं। मेरा पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश है, एवरीबडी इज हैप्पी, सब लोग साथ में, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माँ बाप, मेरे इन लॉज, मेरे लाइफ पार्टनर, हर कोई मेरे साथ है, मेरे बच्चे, जितने लोगों को मैं दिल से चाहता हूं वो सारे लोग मेरे साथ हैं वहां पर, और मैं देख पा रहा हूं वो सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक आलिशान घर, एक आलिशान किचन है उसके साथ में, वहां पर कुक आपके लिए खाना तैयार कर रहे हैं। एक सुंदर सा मंदिर है, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो उनका मंदिर है वहां पे, या जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनकी फोटो लगी हुई है, आप उनको देख पा रहे हैं।
आप वो देख पा रहे हैं जो आपने हमेशा से अपने सपनों में देखा था, आप उसको कंप्लीटली विजुलाइज कर पा रहे हैं, हर चीज देख पा रहे हैं, हर चीज महसूस कर पा रहे हैं, हर तरफ सिर्फ खुशी ही खुशी है, हर कोई सिर्फ खुश ही है, अबंडेंस ही है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और आप इसको, ये जो मूवी है, आप इस मूवी को जैसा चाहे वैसा देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां ही देखनी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको घर में सभी को देखना है। आप डिसाइड करो कि आप क्या देखना चाहते हो, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। आप विजुलाइज करो कि मैंने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मेरा आज डे वन है। आप वो सारी चीजें विजुलाइज कर सकते हो। तो ये जो मूवी है, इस मूवी को आप कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। आप ही इसके असली हीरो हो, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। आप बता सकते हो कि मैंने कौन से कपड़े पहने, किसने कौन से कपड़े पहने, उसके पास क्या है, हर चीज आप विजुलाइज कर सकते हो। और यही है मूवी मेकिंग मेथड। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपने सपनों की लाइफ से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। जब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, आपको अचानक से कुछ ना कुछ नए रास्ते खुलने लगते हैं, नए दरवाजे खुलने लगते हैं। आपको ऐसे रास्ते दिखने लगते हैं जहां पर आपको काम करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। आपको बस उस पर विश्वास करना है, उन रास्तों पर पूरा विश्वास करना है, भगवान पर विश्वास करना है, अपने गुरुओं पर विश्वास करना है और उन रास्तों पर चल देना है, मेहनत करनी है और सारी चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। वो जो सपने हैं वो सपने पूरे होंगे और ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैं जब जब इसको करता हूं मुझे ज्यादातर रोना ही आ जाता है जब वो सपनों की जिंदगी में देखता हूं। और मैंने ऐसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया, बहुत कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया है, एंड आई एम श्योर आप सभी लोग भी कर सकते हैं। तो इसको दो बार करना है, 5 मिनट आप सुबह कीजिए और 5 मिनट शाम को कीजिए। और बहुत है ये, बहुत है, सुबह और शाम। शाम मतलब रात को जब आप बेड में सोने के लिए जा रहे हो, आप बेड में लेट चुके हो, लाइट ऑफ हो चुके हो और आप बहुत ही गहरी नींद में जाने वाले हो, आपको नींद आ रही है, वो टाइम है इसको विजुलाइज करने का। और जब आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पा रहे हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, इसको फॉलो जरूर करें। और अगर आपकी लाइफ में इसको फॉलो करने से कोई भी चेंज आप महसूस करते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेरे खुद के एक्सपीरियंस जो मैं पिछले ऑलमोस्ट 12-15 साल से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और बहुत सारे सालों से मैं जब लोगों को सिखा रहा हूँ, वो सब मैं इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। आई विल सी यू गाइज, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।